मैं कभी भी उन्हें किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं असलम का नाम तक नहीं लूंगी। तखैस चपा नगमायम करिश्मा दला मकान। देर तो नहीं करती। दाऊद कनीज फातिमा का हर हाल में साथ दे रहा है। दाऊद कनीज फातिमा से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए वह कनीज फातिमा की हर गलती को इग्नोर कर देता है। अब इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी वो कनीज फातिमा से वैसे ही पेश आ रहा है और कनीज फातिमा का ही साथ दे रहा है। अब सुरैया ने घर से भागकर जो गलती की है वो अवैस से निकाह तो कर लेगी, लेकिन अवैस कभी भी उसे खुश नहीं रख पाएगा। अब दादा जान की अना को तो बहुत ठेस पहुंची है, क्योंकि कभी भी उसके फैसले के खिलाफ कोई नहीं गया था। पहली बार सुरैया ने उसके खिलाफ जाकर खानदान के रस्मों को तोड़ा है। अब दादा जान को तो हार्ट अटैक हो जाएगा। अब कनीज फातिमा सुरैया और घर वालों के किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगी और दाऊद से मोहब्बत करने लग जाएगी। बहुत जल्द वो दाऊद को दिलो जान से अपना लेगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? कौन कौन चाहता है कि दाऊद और कनीज फातिमा एक दूसरे को अपना लें? कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।